दिख रहा है? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों एक बार फिर से इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो दोस्तों, वैसे तो मुख्तार अंसारी की खबरें मेनस्ट्रीम मीडिया में छाई हुई हैं, लेकिन एक खबर और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जो दब गई वो आपके सामने साझा करना चाहता हूं। और ये खबर है दोस्तों सुनीता केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर। सुनीता केजरीवाल को एक झटके में, जी हां एक झटके में सुपर सीएम बना दिया गया है। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी तो जेल के ईडी की हिरासत में है, ईडी कस्टडी में है। अभी तक तो सुनीता केजरीवाल मैडम सीएम बनी हुई थी, शीश महल के मामले में हमने सुना दोस्तों, लेकिन अब एक झटके में ही उनको सुपर सीएम बना दिया गया है। मगर इस खबर से आप यकीन मानिए बहुत सारे लोगों के तोते उड़ गए हैं। लेकिन एक खास नाम मैं जरूर रखना चाहूंगा और वो नाम है आतिशी जी का। और इसीलिए दोस्तों मैं शुरुआत ही बिल्कुल शुरुआत में आपके सामने टू विंडो से कर रहा हूं। और अभी मैं बाइट सुनाऊं उससे पहले थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि हो ये रहा है दोस्तों कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल के ईडी कस्टडी में जाने की खबरें आई, गिरफ्तारी की खबरें आई, उसके बाद आपको पता होगा कि दिल्ली के दो मंत्री, एक तो सौरभ भारद्वाज और दूसरी आतिशी मारलेना, ये दोनों बहुत एक्टिव हो गए, सुपर एक्टिव। और उसके बाद आतिशी के पास पहला मैसेज आया। आतिशी कितनी महत्वपूर्ण है इस बात की भी जानकारी दूंगा, कैसे एकदम स्पष्ट कर दिया गया केजरीवाल के द्वारा और खास करके मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद कि आतिशी सबसे महत्वपूर्ण मंत्री बन गई, नंबर टू की हैसियत हो गई। और जैसे ही केजरीवाल जेल गए, गिरफ्तारी हुई उनकी, जेल तो नहीं ईडी कस्टडी में है, उसके बाद उन्हीं को पहला मैसेज आया, संदेश आया, वही संदेश कन्वे कर रही थी। मगर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वो गायब हो गई और सुनीता केजरीवाल तीन तीन बार, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार, और अब तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वही कैंपेन भी लॉन्च कर रही है। तो एक झलकी आपको सिर्फ, और झलकी में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको अंदाजा लग जाएगा। एक तरफ आतिशी कह रही है मुझे निर्देश मिला है, मैं ये कर दूंगी, और दूसरी तरफ आज ही, जी हाँ आज ही सुनीता केजरीवाल पहली लाइन में ये बताती हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, ऐसे इंट्रोड्यूस करती हैं। बहुत ही छोटी चीज आपको दिखा रहा हूं, जरा पहले झलकियां देखिए। केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ, ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। मैं सुनीता केजरीवाल अरविंद जी की धर्मपत्नी, मैं सुनीता केजरीवाल अरविंद जी की धर्मपत्नी। देखा आपने दोस्तों, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ये तो खेल चल रहा है। टू विंडो में मैंने सिर्फ आपको झलकियां दिखाई, ये खेल है। सब अरविंद केजरीवाल के करीबी ही हैं, लेकिन सबकी मंशा कुछ और है। सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब ये जताना चाहते हैं कि मैं ही दिल्ली का मालिक हूं। एक कह रही है कि मैं धर्म पत्नी हूं और वो मुख्यमंत्री है, तो मैं मालकिन हो गई। दूसरा, और ये एहसास करा रहे हैं लोग दोस्तों, सुनीता केजरीवाल जो बैठी है वो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठी है, वही तस्वीर पीछे में। और दूसरी तरफ तो जल मंत्री हैं, वो तो कह रही हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से सभी दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाना चाहती हूं, ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री आदेश मिला है। मैं एक बार और ये टू विंडो आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। एक बार फिर से मैं आपको यही टू विंडो दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार देखिए आप फिर से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ, ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। मैं सुनीता केजरीवाल अरविंद जी की धर्मपत्नी, मैं सुनीता केजरीवाल अरविंद जी की धर्मपत्नी। देख लिया ना आपने दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं लाइव हूँ, आप जरूर इस पर, इस वीडियो पर खास करके जो मैंने आपको दिखाया है, इस पर ही कुछ कमेंट आप कीजिएगा, उस पर संवाद करूंगा।
लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया है, लड़ाई शुरू हो गई है। और जहां स्वार्थ पर ही सारी चीजें शुरू होती हैं, सारी स्थितियां स्वार्थ पर जाकर टिक जाती हैं, वहां ऐसे ही होता है। और इसीलिए आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि इनके राघव चड्ढा कहाँ हैं, इनके स्वाति मालीवाल कहाँ हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बयान आपको दिखाता हूं जिसकी वजह से ये पूरी कहानी करनी पड़ी। मनोज तिवारी, भाजपा सांसद और भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं दिल्ली में, उनका एक बयान आपको सुनाता हूं जिससे आपको पता चलेगा। और ये सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से तो आजकल मीडिया वाले कहाँ बताते हैं, अब तो अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की है, वो सूत्रों के हवाले से खबर लेकर आते हैं। अब आप देखिए, ये खुलकर बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के भीतर सत्ता का संघर्ष चल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिए इस बयान को। पार्टी के अंदर सत्ता का अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि पार्टी के अंदर इसका विरोध चल रहा है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। देखा आपने दोस्तों, त्रिलोक सिंह लिख रहे हैं केजरी को बेल नहीं मिलनी चाहिए वरना लोगों का एजेंसियों से भरोसा उठ जाएगा। एक अनिल सिंह जी लिख रहे हैं मिजोरम से, हरीश सर आपका न्यूज को सलाम करता हूं, जय श्री राम। बिल्कुल, आपको धन्यवाद सर, आप दोनों को। लेकिन अब मैं आपको असली खबर दिखाता हूं दोस्तों, आप इस खबर को पढ़िए अमर उजाला की। आज से आम आदमी पार्टी का केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान शुरू, पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। जानते हैं आज पूरा दिन, आज क्या कल रात से ही मुख्तार अंसारी ही चल रहा था, मैं भी देख रहा था, मुझे लगा आपको मुख्तार अंसारी पे खबरें जरूर दिखानी चाहिए, और दोपहर को मैंने आपको दिखाया भी दोस्तों। लेकिन जानते हैं, अचानक से 12 बजे मैं टीवी देख रहा था, सारे टीवी चैनलों ने अचानक से एकदम से एक सुनीता केजरीवाल दिखाना शुरू कर दिया। मुझे लगा यार ये क्या चक्कर है, अच्छा इनको भी पता है कि कब फुटेज खाना है, कब पूरे दिन के लिए आपको न्यूज दे देना है। तो अचानक से आज सुबह सुबह सुनीता केजरीवाल प्रकट हुई। अच्छा ये कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं होता, एक वीडियो मैसेज होता है, और वो प्रकट होती हैं और अपनी सक्रियता पूरी तरह से दिखाती हैं। वो बताती हैं कि आज से आम आदमी पार्टी एक कैंपेन लॉन्च कर रही है केजरीवाल को आशीर्वाद। वो बकायदा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर जारी करती है। आप सोचिए बड़े ध्यान से कि आखिर सुनीता केजरीवाल है कौन, आम आदमी पार्टी में सरकार में क्या है उनकी क्रेडिबिलिटी सरकार के लिहाज से या पार्टी के लिहाज से। भाई केजरीवाल संयोजक है, केजरीवाल मुख्यमंत्री है, अब अगर वो चाहे तो वो पद ले सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं है। आप बताइएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी में किसी पोजीशन को होल्ड करती हैं? मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिले तो आप जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। लेकिन आज वो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक कैंपेन लॉन्च करती हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से, बड़े ध्यान से समझिए। अब मैं आपको बयान सुनाता हूं सुनीता केजरीवाल का, ताकि आपको ये समझ में आ जाए दोस्तों। अब आप देखिए, ये कहती हैं मैं सुनीता केजरीवाल अरविंद जी की धर्म पत्नी। कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पक्ष रखा। मैं एक छोटा हिस्सा आपको सुनाता हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए। सुनीता केजरीवाल अरविंद जी की धर्म पत्नी, कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा। आप सबने सुना तो होगा, अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुने। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत ही मचाई। सच्चे देशभक्त हैं वे, बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूँ, देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई अपना बेटा कहा है, क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, देखा आपने सुनीता केजरीवाल किस कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी की तरफ से
आधिकारिक रूप से ये सब दे रही है और आम आदमी पार्टी इसको ट्वीट करती है, सारे लोग ट्वीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस मिलकर आई और बोल दिया बस हो गया, नहीं, ये बकायदा एक कैंपेन है दोस्तों। और मैं कुछ कमेंट देख रहा था, आरपी लिख रहे हैं ईडी इज परमिटेड टू ब्रेक द पासवर्ड्स एंड डेसिफर द कंटेंट्स व्हेन दैट विल इवेंचुअली बी डन केजरी विल क्राई। अभी तो मैंने उसकी बात नहीं कही आरपी जी, मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले सुनीता केजरीवाल, सुनीता भाभी के नाम से बड़ा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन आपको मैं सबसे पहले एक और हिस्सा और सुनाता हूं। इसमें सुनीता केजरीवाल जी व्हाट्सएप नंबर दे रही हैं, आप भी सुन लीजिए। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, वो तो कह रही हैं आप आम आदमी पार्टी से नहीं है, तब भी आप कीजिए। अब जिन लोगों ने किया वो कितना इंटरेस्टिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप पहले वो सुनिए कि ये कह क्या रही हैं, कौन सा नंबर दे रही हैं, क्या भेजने के लिए कह रही हैं, आप सुन लीजिए। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8297324624, फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं, कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है, वो भी लिख के भेजें। सुन लिया आपने दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने भी व्हाट्सएप नंबर नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, आपके मन में जो बात होगी। और ये तो सुनीता जी कह रही हैं कि अगर आप भाजपा, आप आम आदमी पार्टी से नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप भेजिएगा ज़रूर, उनको आप शुभकामनाएं दीजिएगा और परिवार का हर सदस्य दे, ये भी कह रही हैं। याद है ना वो केजरीवाल जी पैसे कैसे मांगते थे कि देना सबको पड़ेगा, एक परिवार में चार लोग हैं तो चारों को देना पड़ेगा या मैसेज भी भेजना पड़ेगा। अब देखिए उसका असर क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये तेजिंदर बग्गा साहब है तो भाजपा के नेता, अब इनको क्या खुराफात सूझी, इन्होंने भी भेज दिया। देखिए ना लिखा है, ऑन सुनीता भाभी जी रिक्वेस्ट आई सेंट मैसेज टू केजरीवाल। अब क्या भेजा और क्या जवाब आया बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए। दिल्ली वालों के खून पसीने से पैसे वापिस कर केजरीवाल, दिल्ली वालों के खून पसीने के पैसे वापिस कर केजरीवाल, चोरी और दलाली की कमाई तुझे पचेगी नहीं। अब जवाब क्या आया ये भी सुन लीजिए, सुनीता केजरीवाल का जवाब आया है, आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, इसके लिए दिल से आभार, मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वा कर आपको सूचना दूंगी। ये जवाब आया है। अब देखिए मजेदार चीज, आपको पता चलना चाहिए ना भ्रष्टाचार को भी किस प्रकार से महिमा मंडित किया जा सकता है, ये अरविंद केजरीवाल को देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है, मैं एक आध और आपको एक और दिखा देता हूं। ये देखिए, एक मोहित सूर्यवंशी साहब हैं, इन्होंने क्या लिखा है, सुनीता भाभी से बात करके मन हल्का हो गया है, लगता है सर जी तक हमारी बात पहुंच जाएगी। अब इन्होंने क्या लिखा है देखिए, हेलो केजरीवाल, बाहर मत आना, जब से गए हो घर में पानी साफ आ रहा है। अब बताइए, अब घर में पानी साफ आ रहा है, कहीं आरो तो नहीं लगा दिया, कुछ और तो नहीं लगा दिया, लेकिन पता है मजे ले रहे हैं। फिर जवाब आया इनको, इनको जवाब आया, आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, इसके लिए दिल से आभार, मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वा कर आपको सूचना दूंगी। फिर इसने लिखा, ठीक है सुनीता भाभी, सर जी को सड़ने देना, मुख्यमंत्री आपको ही बनाएंगे। फिर मैसेज आया इस पे, आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, इसके लिए दिल से आभार, मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वा कर आपको सूचना दूंगी। अब देखिए दोस्तों, ये है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो जैसे कहते हैं ना चूहलबाजी, राजनीतिक चूहलबाजी, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है दोनों तरफ से। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है और ये सब नौटंकी कर रहे हैं, तो आम जनता के लिए गंभीर है और सुनीता केजरीवाल जी के लिए इसलिए गंभीर है क्योंकि उनका पति जेल में है।
मगर उन्होंने अपने आप अपने रिश्ते को पर्सनल नहीं रखा, वो खुद से सियासी मैदान में कूद चुकी हैं, पर्सनल कुछ नहीं है। जैसे गांधी परिवार के लोग बार बार ये कहते ना कि हमारे खानदान से इतने लोगों ने शहादत दी है, और उसी को बार 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 भुना करके लोगों की संवेदनाएं बटोरना चाहते हैं, यही काम सुनीता केजरीवाल कर रही हैं। और सुनीता केजरीवाल ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब कोई गृहिणी रही हैं, ये पढ़ी लिखी महिला हैं, और जो पोस्ट पे अरविंद केजरीवाल थे वही IRS अधिकारी खुद सुनीता केजरीवाल भी हैं, आप समझ लीजिए। और ये बार बार जिस तरीके से टीवी स्क्रीन के सामने आकर ये सब कुछ कर रही हैं, नौटंकी, अगर आपको खुलकर मैं कहूं तो उस नौटंकी में आपको सियासी जवाब भी मिलेगा। तो तेजिंदर बग्गा जी ने जो किया है मैं उसको गलत नहीं मानता, और मीडिया वाले भी वही समझ रहे हैं, आम जनता भी समझ रही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं हैं, लोग समझते हैं कि आप कर क्या रही हैं, लेकिन इस करने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको डिकोड करने के लिए आपके पास आया हूं। और देखिए ये आज की खबर मैं दिखा रहा हूं, आज की नहीं है तो पुरानी, आखिर आपने सुनीता पत्नी सुनीता से क्यों पढ़वाई CM अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी। और आपको तो अभी मैंने सुनाया ना कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो हर बड़े मौके पर अपने पति के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थित होती हैं, वो अपनी पहली लाइन ये कहती हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल की धर्म पत्नी हूं। ये बताने की तो जरूरत नहीं है किसी भी कीमत पर, अगर ये बताया जा रहा है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसके पीछे कोई उद्देश्य है। कोई ऐसे ही थोड़ी जाके कहता है कि मैं उनकी पत्नी हूं। आप दो बार से तो आप पढ़ रही हैं उनके जेल जाने के बाद भी, तो तीसरी बार आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि क्या अब सरकार की बागडोर सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है, क्या अरविंद केजरीवाल के नाम पर वो फैसले कर रही हैं, क्या सरकार में पार्टी में अब उन्हीं की बात चलेगी। ये सवाल बहुत जरूरी है दोस्तों, और इसीलिए आपको मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। केजरीवाल के बाद सुनीता ने संभाली कमान, लॉन्च किया आपका नया अभियान। कविता लिखी है, कविताई शैली में है, केजरीवाल के बाद सुनीता ने संभाली कमान, लॉन्च किया आपका नया अभियान। अब आम आदमी पार्टी की कोई बहुत बड़ी सदस्य ही नहीं है ये तो सुनीता केजरीवाल, कुछ नहीं है, संयोजक नहीं है, महासचिव नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल को ये दायित्व दिया गया। चलिए मान लीजिए आप मिलती हैं, आप शाम को मिलने जाती हैं, आपको केजरीवाल जी ने बताया होगा कि ऐसे करो हमारे लिए, तो आपका काम क्या है? आप पार्टी के बड़े अधिकारियों को जाकर कहती, पार्टी के बड़े अधिकारी फैसला करते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का संघर्ष क्या है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि याद करिए, आप देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूं। सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की पत्नी की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी तक परिवार में सिमटी रही सुनीता मीडिया के सामने आकर न सिर्फ पति को लेकर अपडेट दे रही हैं, बल्कि भावुक अपीलों के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के लिए समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश करती दिख रही हैं। पहले ट्वीट, फिर वीडियो संदेश, मीडिया कर्मियों को बाइट, और अब नए अभियान का आगाज कराकर उन्होंने संकेत दे दिया है कि यदि केजरीवाल जल्द ही रिहा नहीं होते हैं तो वो उनकी अनुपस्थिति में चुनावी कमान संभाल सकती हैं। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि सुनीता केजरीवाल को राबड़ी मॉडल की तरह मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से सरकार चलाते रहेंगे। हालांकि जब मैं ये पढ़ रहा हूं इस रिपोर्ट को दोस्तों, तो मैंने एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया था,
कि जो काम लालू यादव ने अपने जीवन में किया वही काम अरविंद केजरीवाल भी करते हैं। एक बार कभी मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, जल्दी दिखाऊंगा कि लालू यादव के ही चरण चिन्हों को अरविंद केजरीवाल फॉलो करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है, आप कहेंगे लेकिन वही अंदाज है दोस्तों, जैसे उनका अंदाज था ना कि कहीं भी चले गए, लोगों के बीच बैठ गए, जन नेता उस तभी बने थे वो, कि कहीं गए अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, लोगों को देखा, वहीं इकट्ठा किया, पानी से सबको नहाया, बाढ़ी बाल दाढ़ी सब कटवाई, लोग खुश हो जाते थे। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो कहीं भी उतरवा करके जनता के बीच पहुंच गए, लोग हेलीकॉप्टर में एक आध को घुमा दिया, बड़ा पॉपुलर हो जाते थे। और यही काम अरविंद केजरीवाल, अंदाज अलग है, अब तो समय बदल गया ना, ये भी ऐसे ही करते थे, माने सामान्य कपड़ा पहन करके किसी के घर में बिजली का तार जोड़ दिया, कुछ कर दिया, यही सब करके लोकप्रिय हुए। उन्होंने भी अपने परिवार का ही ख्याल रखा, इन्होंने भी रखा, वो भी मोदी को गाली देते हैं, ये भी देते हैं, वो भी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में लगे रहे, ये भी लगे रहे, तो पूरी की पूरी तुलना मैं आपको दिखाऊंगा। और इसीलिए राबड़ी देवी की तरह सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने की चर्चा मीडिया में भी सुर्खियां बनी। और आप देखिए एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, पति के लिए छोड़ी थी लाल बत्ती, जेल गए केजरीवाल तो संभाला मोर्चा, जानिए कितनी पढ़ी लिखी हैं सुनीता केजरीवाल। मैं पढ़कर ही सुनाता हूं, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने निकाला है, मैं जानता हूं। बिहार में जब लालू यादव को सरकार में रहते हुए जेल जाना पड़ा तो उनकी जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी की तर्ज पर माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल को दी जा सकती है। सुनीता केजरीवाल एक उच्च शिक्षित महिला है जिन पर आम आदमी पार्टी भरोसा जता सकती है। क्या होगा आतिशी मार लेना का, जरा सोचिए क्या होगा ये सौरभ भारद्वाज साहब का, गोपाल राय जी का। अब यहाँ तो वो चक्कर तो है नहीं कि मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या संजय सिंह, वो सब भी जेल के अंदर हैं। अच्छा देखिए बड़े चालू चीज हैं केजरीवाल जी, ये लोग गए जेल तो तुरंत हटा दिया, मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल गए दोस्तों तुरंत मंत्री पद से छुट्टी कर दी, और खुद गए हैं तो एकदम जमे हुए हैं, इस्तीफा नहीं दूंगा चाहे कुछ भी कर लो। उनकी पत्नियों का कोई ख्याल नहीं रखा, और इनकी पत्नी रोज रोज टीवी में आकर भाषण दे रही हैं, आप सोच लीजिए, यही स्वार्थ है दोस्तों। कई बार लोग जब फंस जाते हैं ना, इनकी तो वैसे भी विचारधारा नहीं, आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, आइडियोलॉजी लेस पार्टी है, बिल्कुल करप्ट पार्टी, अगर आइडियोलॉजी के तौर पर आप देखें तो ये करप्ट पार्टी है। मैं एक बार इनकी विचारधारा पर भी एक वीडियो बना चुका हूं, और हर बड़े मुद्दे पर ये शून्य है, इसकी कोई विदेश नीति नहीं है, इसकी कोई आर्थिक नीति नहीं है, इसकी कोई एक आइडियोलॉजी होती है ना हर किसी की, वो भी नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है, राबड़ी की राह पर चल रही सुनीता केजरीवाल सीएम पद के लिए कर रही तैयारी हरदीप पुरी का तंज। अच्छा मैं आपको बता रहा हूं तो जो भी मेरे व्यूअर हैं दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने करीब करीब 2 महीने पहले आपको बताया था कि सुनीता केजरीवाल की भूमिका बढ़ेगी और वो मुख्यमंत्री बनेगी। आप प्लीज कमेंट कीजिए, आप बताइए, अगर आपने, आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, आप जरूर कमेंट के जरिए इस बात को रखिए, बताइए, साझा कीजिए, हम चर्चा ही तो करेंगे ना, मैं तो खबरें आपको दिखाता जाऊंगा, साथ में आपसे बात भी करूंगा। सत्ता संघर्ष की अंतिम परिणति विध्वंस के रूप में सामने आती है, रमेश कुमार अवस्थी जी बता रहे हैं। अब देखिए ये हरदीप पुरी जी का मैं थोड़ा एक हिस्सा पढ़कर आपको सुनाता हूं। सुनीता केजरीवाल की सक्रियता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सुनीता केजरीवाल पर तंज कसा है। हरदीप पुरी ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ने अब अपने पति का पद संभालने की तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया है।
पुरी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से केजरीवाल की तुलना करते हुए कहा कि आप बिहार में ये पहले भी देख चुके हैं, वहां राबड़ी देवी ने लालू यादव के जेल जाने के बाद सीएम की कुर्सी संभाली थी और ये लोगों को याद है दोस्तों। लालू यादव का राज जो है वो जंगल राज के रूप में जाना जाता है और केजरीवाल का भी ये राज जंगल राज के रूप में ही जाना जाएगा। आतंक, आप समझते हैं ना, आतंकवाद की परिभाषा भी बदल रही है। आर्थिक आतंकवाद ये चल रहा है दिल्ली में, आप समझ लीजिए। कुछ नहीं हुआ है 9 साल में दिल्ली में, यहां की स्थिति लोभ लालच में जनता को धकेल कर, और ये समझ लेना कि मैं आजीवन मुख्यमंत्री बना रहूंगा चाहे मैं कुछ भी करता रहूं, यही अरविंद केजरीवाल की असली विचारधारा है और इसीलिए ये घमंड है। ऐसे ही कोई घमंडी नहीं बनता दोस्तों। लेकिन आपको एक दिलचस्प चीज फिर दिखाता हूं मैं, क्यों? क्योंकि आतिशी मार लेना, मैं फिर से उसी संदर्भ में आता हूं, आतिशी मार लेना बहुत सक्रिय हो गई थी और ऐसा माहौल बना दिया गया कि वही मुख्यमंत्री बनेंगी, पहला मैसेज भी उन्हीं के लिए आया। मगर हुआ क्या, सारे हालात बदल गए, अचानक से सुपर सीएम बना दिया। अब मैं कुछ ऑफिशियली तो आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन एक ट्विटर हैंडल पर मेरी नजर पड़ी। अब देखिए, डॉक्टर आतिशी आप सीएम दिल्ली, ये पैरोडी अकाउंट है दोस्तों, अभी आपको बता दूं ये ओरिजिनल नहीं है, पैरोडी अकाउंट है, लिखा हुआ है। मगर एक पैरोडी अकाउंट भी अगर चल रहा है और ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं तो वो संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आतिशी जी की बिना सहमति के होगा, अगर बिना सहमति के है तो उनको एक्शन लेना चाहिए। मैं तो आपको जरा मजेदार चीज दिखाता हूं, क्या लिखा हुआ है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये सुनीता कहां से आ गई, कौन सुनीता, किस बात की सुनीता, कहां से आ गई सुनीता, हमारे सर पर आकर बैठ गई सुनीता, अब वो बताएगी कि हम पार्टी कैसे चलाएं। आपको सुनकर कुछ समझ में आया, ये अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर कहा था एलजी के लिए, ध्यान है आपको दोस्तों, ये एलजी कहां से आ गया, कौन एलजी, किस बात का एलजी, कहां से आ गया एलजी, हमारे सर पर आकर बैठ गया एलजी, अब वो बताएगा कि हम पार्टी कैसे, हम सरकार कैसे चलाएंगे। याद है वो ही टोन में लिखा गया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये सुनीता, और ये हो किसके अकाउंट से रहा है, डॉक्टर आतिशी का एक पैरोडी अकाउंट बनाया गया है। और मैं जरा आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, अब इस अकाउंट को मैंने लिया है तो आप देखिए, ये वेरीफाइड अकाउंट है दोस्तों, हालांकि आजकल तो पैसे देके वेरीफाइड होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, मगर ये वेरीफाइड अकाउंट है। मैं तो जरूर आतिशी जी से कहूंगा कि इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, लेकिन इससे कुछ ना कुछ आपको जरूर एक इंसाइट मिलता है, आपको एक नई सोच मिलती है। अब देखिए, ये भी बड़ा वायरल हुआ है, ये पोस्ट 100 से अधिक लोगों ने इसको रीट्वीट किया जब मैंने लिया था। मैं आतिशी मार लेना ईश्वर की शपथ लेती हूं, पैरोडी अकाउंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगी, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। ये पैरोडी अकाउंट है, बार बार कह रहा हूं मैं, मगर ये वेरीफाइड अकाउंट है। और आप देखिए, केजरीवाल जो कर रहे हैं वो भी तो पैरोडी ही चल रहा है ना। आप भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं, आपको दिल्ली की किसी अदालत से जमानत नहीं मिल रही है और आप तर्क दे रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ, आप तर्क दे रहे हैं कि भाजपा वाले क्या कर, अरे भाई फैसला अदालत में आ रहा है, सारी कार्रवाई अदालत की तरफ से हो रही है, राष्ट्रीय एजेंसियां जो सेंट्रल एजेंसियां वो कार्रवाई कर रही हैं, इस समय पूरे देश में चुनाव आयोग का राज चल रहा है और आप मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, तो सब पैरोडी ही चल रहा है ना। तो मैंने भी आपको पैरोडी दिखा दिया, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा
आतिशी मार लेना के बारे में जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों। आप ये देखिए रिपोर्ट, ईडी की कस्टडी से जल समस्या को लेकर आया अरविंद केजरीवाल का आदेश, आतिशी बोली उन्हें दिल्ली वासियों की वहां भी फिक्र। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं जानते हैं दोस्तों? जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद जो व्यक्ति सबसे मुखर होकर जनता के सामने आया, मीडिया में आया, वो नाम दूसरा कोई नहीं बल्कि आतिशी मार लेना है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ईडी की कस्टडी में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो पहला आदेश भेजा वो भी आतिशी मार लेना को भेजा। शायद इनका नाम अब इन्होंने हटा लिया मार लेना, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है आतिशी मैं बोलता हूं, कि आतिशी को भेजा। और ये बात खुद आतिशी ने कहा कि मैं जल मंत्री हूं, केजरीवाल जी को दिल्ली में चिंता बढ़ गई है वहां जाने के बाद कि यहां जल का संकट हो गया है, सीवर की परेशानी हो गई। जब बाहर थे तब नहीं चिंता हुई, तब तो बाहर बाहर घूमते थे। और जैसे ही ईडी की कस्टडी में पहुंचे उनको दिल्ली वालों की याद आने लगी। गजब राजनीति है, अगर ऐसे ही याद आती है तो इनको तो भेज ही दो भैया और मैसेज ले लिया करो, कोई बात नहीं। आपको ज़्यादा चिंता अगर ईडी की कस्टडी में ही होती है तो आप ईडी की कस्टडी में ही रहिए भाई, आप तो सेवा ही करने आए हैं ना, तो सेवा करते रहिए, लोग भी खुश होंगे। लेकिन दरअसल उनको चिंता नहीं है दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि अगर इन पर कोई आफत आता है तो ये नैरेटिव बनाते हैं कि दिल्ली वालों पर आफत आ गई, ये भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो ये नैरेटिव ये बनाते हैं कि दिल्ली वालों को फंसा दिया गया, इनके घर में कोई मुसीबत होती है तो ये ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि दिल्ली को बदनाम किया गया, यही सच्चाई है ना। और इसीलिए दोस्तों मैं आतिशी मार लेना का ये, आतिशी जी का ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि पहला आदेश इन्हीं को मिला था। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, आप ये रिपोर्ट देखिए, आतिशी क्यों बनी केजरीवाल की नंबर वन भरोसेमंद, इन वजहों से चूके वरिष्ठ मंत्री। जैसे ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई ना, आप समझ लीजिए सत्येंद्र जैन तो महीनों तक रहे, उनका मंत्री पद नहीं छीना। और जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल गए तुरंत उनसे छीन लिया, उनकी पत्नी की भी परवाह नहीं की जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, हैं अभी भी हैं, आप सोचिए। और तुरंत आतिशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मनीष सिसोदिया इसलिए सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, जिस शिक्षा मॉडल का ये ढोल पीटते हैं। और आतिशी मार लेना को दोस्तों, आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। और आप देखिए सीएम केजरीवाल की भरोसेमंद बनी आतिशी, वित्त समेत 3 नए विभाग देने की मंजूरी। इतना ही नहीं, पहले तो शिक्षा मंत्री बनाया था ना, बाद में आतिशी को फाइनेंस, रेवेन्यू, प्लानिंग सारे विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी। और पहले तो शिक्षा और वित्त मंत्रालय सिसोदिया के पास थे, और आज की स्थिति क्या है ये भी आप समझ लीजिए। आज आतिशी के पास दोस्तों 14 विभाग हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली में सभी मंत्रियों में सबसे ज्यादा विभाग आतिशी के पास है। मुख्यमंत्री जी के पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, वो तो काम भी नहीं करते, वो तो साइन भी नहीं करते। और आज आतिशी के पास 14 विभाग हैं। मैं ये 14 अगस्त 2023 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाता हूं। दिल्ली सरकार में आतिशी के पास सबसे ज्यादा विभाग हैं, यहां तक कि सौरभ भारद्वाज से विभाग वापस लेकर आतिशी को सौंपा गया है, इससे विभागों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 अगस्त 2023 को आतिशी को 2 विभाग आवंटित करने की सिफारिश की थी। इन विभागों का जिम्मा पहले कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज संभालते थे। आतिशी के पास जो 14 विभाग है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, उनमें शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, फाइनेंस, प्लानिंग, रेवेन्यू,
सर्विस, विजिलेंस, उच्च शिक्षा, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन और पब्लिक रिलेशन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल हैं। आप सोचिए, इतना महत्वपूर्ण विभाग, और तब मैं आपको ये लड़ाई दिखा रहा हूं जो शुरू में आपको टू विंडो दिखाया था, आप समझ लीजिए। और इतना ही नहीं, आतिशी के बारे में आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बनी है। 2020 में ये पहला कार्यकाल है। आप सोच लीजिए, इनका कद लगातार बढ़ता गया है और ये दिल्ली के कालकाजी सीट से पहली बार चुनाव जीतकर दिल्ली की विधानसभा में उपस्थिति दर्ज कराई। शराब नीति घोटाले में घिरे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद आतिशी को दिल्ली मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। और एक बात और बता दूं कि ये पहली महिला मंत्री हैं। केजरीवाल सरकार में एकमात्र महिला मंत्री हैं। अब आप समझ लीजिए कि यही वजह है दोस्तों कि आतिशी का कद लगातार बढ़ता गया और ये संभावनाएं प्रबल हुई कि क्या कहीं आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। और निश्चित रूप से उनकी महत्वाकांक्षाएं तो हिलोरे मार रही होंगी, कौन नहीं बनना चाहता। आप सोचिए ना, जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल गए, मैं खबर दिखा चुका हूं, तुरंत इनको मंत्री बनाया, उनको हटाया और उनका घर भी अलॉट कर दिया। जो बंगलो है उस बंगले को अलॉट कर दिया गया। मैंने स्टोरी बनाई थी आपके, आपको ध्यान होगा दोस्तों, कि आतिशी को उस बड़े बंगलो को अलॉट कर दिया गया। और आप देखिए कि वो ना केवल मुखर है, अभी कल आपको ध्यान होगा जब कोर्ट में चल रही थी कार्रवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो बहुत सारी बहस हुई। अरविंद केजरीवाल ने खुद खड़े होकर अपनी पैरवी की। उस दौरान ईडी ने कहा कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, और उस पर बहुत सारी बात भी मैं आपको दिखा चुका हूं। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि ये पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने मोबाइल तो ले लिया है, जबरदस्ती मुझसे पासवर्ड ले लेंगे क्या, उनको वकील से बात करना। पासवर्ड नहीं दिया दोस्तों, ईडी को पासवर्ड नहीं दिया गया। और आप देखिए, सबसे अधिक चिंता किसको है, आतिशी को है। अरविंद केजरीवाल के फोन का पासवर्ड क्यों चाहिए, सवाल पूछ रही हूं। सारे मीडिया संस्थानों में आप देखिए जाकर के, यही रिपोर्ट मिलेगी। ये सुनीता केजरीवाल ने नहीं कहा, बाकियों ने भी नहीं कहा, यह आतिशी को चिंता सता रही है, केजरीवाल तो नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी मार्लेना ने ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईडी को अरविंद केजरीवाल के फोन का पासवर्ड क्यों चाहिए। आतिशी ने कहा कि ईडी नहीं, बीजेपी को चुनाव की रणनीति जानने के लिए चुनाव के फोन का पासवर्ड चाहिए। बहुत सारी रिपोर्ट है जिसमें यह सवाल आतिशी खड़ा कर रही है। अब जब आतिशी बोल रही है दोस्तों, तो हम सबके मन में भी सवाल उठता है, ईडी तो, ईडी को तो चाहिए, ईडी तो किसी ना किसी तरीके से या तो ले लेगी या क्रैक करा लेगी, उसको उसके लिए क्या हो, तो सारी संस्थाएं काम करती हैं और देश की जितनी भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनके लिए पासवर्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हमारे मन में तो सवाल उठ रहा है कि आखिर उस फोन में क्या है, ऐसा फोन में ऐसी कौन सी बात छिपी है कि पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं। जब सब कुछ पूरा घर ही खंगाल लिया तो फोन में क्या बचा। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। डीके कुशवाहा जी लिख रहे हैं, आप वाले जनता को पागल समझ रहे हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है दिल्ली की। सुरेश कुमार जी लिख रहे हैं, आपको कोटि कोटि नमन। कमलजीत थापर सर नमस्कार, आपको भी। मैं सभी लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन आप सोचिए, आखिर ईडी क्यों जानना चाहती है सीएम केजरीवाल के फोन का पासवर्ड। आप मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। अब ये हेडलाइन जैसे ही मैंने पढ़ी ना, मेरे भी कान खड़े हो गए कि क्या दावा कर दिया यार, ये तो बड़े खुलासे करते हैं ना। तो मैंने पढ़ा, फिर पढ़ते हुए मुझे पाया मैंने जो, वो मैं बता देता हूं कि ये कह रही हैं कि ईडी को नहीं, भाजपा को चाहिए। बताइए, अदालत में ऐसे तर्क चलते हैं क्या दोस्तों? भाई आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, और ये तो वहां पर पता नहीं क्या बनने गए थे केजरीवाल जी, सिर्फ इमोशनल भाषण दे रहे हैं। मैंने दूसरे तरफ के लोगों के भी
यूट्यूब चैनल देखे दोस्तों, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि केजरीवाल के बारे में ऐसी ऐसी बातें, मैंने सत्य हिंदी देखा, मैंने क्या नाम है उसका, पुण्य प्रसून, बहुत सारे चैनल में मैंने देखे, सब देखता हूँ मैं, मुझे तो मैं देखता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। जानते क्या बोला जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने तो आज धज्जियां उड़ा दी। तो बोला फिर तो बड़ा मजा आया होगा। बोला नहीं मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि उन्होंने विरोध नहीं किया। ईडी ने कहा हमको रिमांड चाहिए और केजरीवाल ने कहा हम रिमांड में जाने को तैयार हैं। अब इसमें ईडी की क्या बखिया उधेड़ दी, बड़ा सवाल है कि नहीं? आप सोचिए कि आखिर ईडी ने कैसे बखिया उधेड़ दी, आप खुद सोचिए दोस्तों, कि एक कह रहा है मुझे आपका रिमांड चाहिए और दूसरा कह रहा है मैं आपके पास जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन सारे चैनलों में सुन करके मुझे तो बड़ा मजा आया, मैं तो सुनता हूं, मैं सबको, मैं रवीश कुमार को भी सुनता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पेशेंस पूर्वक सुनना चाहें तो, हालांकि मुझे नहीं लगता सुन पाएंगे, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि इतनी नेगेटिविटी के बीच भी कैसे कोई पॉजिटिव चीज तलाश सकता है। और मैं तो आपको कई बार बताया, मैं तो देखता हूं कि एक यूट्यूबर है, बड़ा पत्रकार रहा है किसी समय में, उसके तर्क मैं बताता हूं आपको, कि जैसे चुनाव के प्रचार का समय चल रहा है तो वो कहेगा कि आज तो मोदी जी को एहसास हो गया कि देश के दो राज्य छिटक गए हैं। फिर मुझे लगा कैसे छिटक गए भाई, थोड़ा देखूं मैं, तो मैंने उनका तर्क सुना। आज एक तरफ जहां मोदी जी महाराष्ट्र में है तो दूसरी तरफ अमित शाह बिहार में है, दोनों दो राज्य पहुंचे हैं, इसका मतलब ये राज्य छिटक गए। अब तर्क आप सुनिए, और ऐसा ही तर्क अरविंद केजरीवाल अदालत में दे रहे थे दोस्तों। अरे भाई प्रचार है तो प्रचार करेंगे ही ना, काम तो करेंगे ना, अब कांग्रेसियों की तरह थोड़ी है कि बैठे में पता ही नहीं चल रहा है प्रचार कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, मतलब लड़ भी नहीं रहे हैं। लेकिन इसी में भाजपा के लिए बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। मैं किस दिन वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी स्ट्रेटजी कितनी खतरनाक है, वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मोदी को हराया जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सब चुपचाप बैठे हैं, वो कौन सा नैरेटिव गूंथ रहे हैं, वो कौन सी रणनीति बना रहे हैं, इसकी चर्चा करूंगा। अब मैं आपको आतिशी के बारे में ही इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, तो एक और रिपोर्ट दिखा देता हूं। अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे, दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली कोई संवैधानिक रोक नहीं। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी कितनी एक्टिव हो गई है, अब इन लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आतिशी जैसी नेता, सौरभ भारद्वाज या इतने बड़े बड़े गोपाल राय, जो भी बड़े नेता बचे हैं, अब वो सुनीता केजरीवाल के अंडर में काम करेंगे। सिर्फ आईआरएस होना काफी नहीं है, फिर तो देश में हजारों आईआरएस अधिकारी हैं, फिर तो हर कोई बोलेगा हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं। फिर यहां तो एक ही योग्यता है कि आप अरविंद केजरीवाल की पत्नी है तो आपको मिल गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग काम करने को तैयार होंगे, और ये संघर्ष चल रहा है, और इसीलिए आपको इन परिस्थितियों में भी राघव चड्ढा नजर नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल की एक और खास सहयोगी है स्वाति मालीवाल, वो भी नजर नहीं आएंगे, और इसीलिए आतिशी बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो चाहे जेल में रहें, वो ईडी रिमांड में रहें, और कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, रोक नहीं है जिसकी वजह से उनको हटाया जा सके। और जब मैं ये सारी चीज़ें अब आपको दिखा चुका हूं, तो एक अमित मालवीय का दोस्त जो भाजपा के नेता ही हैं, उनका एक ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए ना, इस ट्वीट में परिणति चोपड़ा की तस्वीर भी लगाई है जो राघव चड्ढा की पत्नी है। आफ्टर अरविंद केजरीवाल रिमांड वॉज एक्सटेंडेड टू सपोर्ट फॉर हिम विद इन हिज ऑन पार्टी,
सीम्स टू बी ड्विंडलिंग एक्सेप्ट आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज हु फैंसी देमसेल्व्स एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इफ केजरीवाल कंटिन्यूज टू बी इन जेल नन ऑफ हिज अदर सीम टू बी देयर वेन ही नीड्स देम मोस्ट। अब देखिए ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि आज जब अरविंद केजरीवाल जेल में है तो उनके साथ कोई नहीं है। आप देखिए ना इतने सारे विरोध प्रदर्शन हुए, कहां आपको कार्यकर्ता दिखे? अब चंद मुट्ठी भर 100-200 कार्यकर्ता जुट जाए तो उसे नहीं कहते, और नेताओं की बात करें तो कोई नेता भी नहीं है दोस्त। और इस ट्वीट में यही लिखा है कि राघव चड्ढा जो इनके दाहिने हाथ हैं वो इस समय लंदन में है। आप सोचिए, और किसके लिए? आंखों की सर्जरी के लिए। अब तो सवाल ये भी उठता है कि भैया मोहल्ला क्लिनिक और जो आपका हेल्थ मॉडल है उसका क्या हुआ? अगर राघव चड्ढा यहां नहीं आ रहे तो आपके लिए दिक्कत, अगर वहां इसलिए है कि आंखों की सर्जरी करानी है तो फिर आपके दिल्ली के हेल्थ मॉडल का क्या होगा? सोचिए, जनता को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, बड़े ध्यान से विमर्श कीजिए दोस्तों, कि ये अपने परिवार के लिए कभी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाते, दिल्ली के किसी भी बड़े अस्पताल में नहीं जाते, ये सीधे लंदन चले जाते हैं, देख लीजिए। मगर वहां इनकी मीटिंग हो रही है बहुत लोगों से, और एकाध तो जो भारत के खिलाफ बयान देने वाले लोग हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है, आप सोचिए। और इतना ही नहीं, इसमें एक जगह लिखा हुआ है इन्होंने, नाउ इट इज लर्न दैट स्वाति मालीवाल इज ऑल्सो इन द US, एवरी वन इज abandoning द सिंकिंग शिप, माने डूबते हुए जहाज को सब छोड़ रहा है। और ये भी पता चला है कि स्वाति मालीवाल जिनको अभी सांसद बनाया है केजरीवाल जी ने, वो अमेरिका में है, यानी इस डूबते हुए जहाज को हर कोई छोड़ने को बेकरार है। कब तक संभाल के रखेंगे? अब तो जनता ने ऐसा कर दिया कि 70 में से 62 सीट ही दे दी, तो कितने छोड़कर जाएंगे? लेकिन ये विधायक भी दोस्तों अरविंद केजरीवाल से ऊब चुके हैं, अब वो काम नहीं करना चाहते, और जो रहना चाहते हैं उनके बीच सत्ता का जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। और ये लोग तो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं, आप तो देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश का मॉडल। अब जब दिल्ली में फुल फ्लेजेड काम शुरू हो चुका है तो ये यकीन मानिए दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल और इनके पूरे गैंग को लेकर बहुत अच्छी खबर नहीं आने वाली है। मगर ये सुनीता केजरीवाल और आतिशी, इन दोनों की जो सियासी जुगलबंदी है, जुगलबंदी कहूँगा, संघर्ष तो मैं क्या कहूँगा, अब ये देखना है आने वाले दिनों में कि क्या होता है, कौन गुल खिलाता है, कौन विजयी पाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और मैं आपसे एक ज़रूर बात कहूँगा दोस्तों, ये वीडियो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई, मैंने आज ही HB मेलोडी में एक वीडियो अपलोड किया है। मैंने तो आपको कहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें, अच्छा लोग जो गाते हैं दूर दराज के इलाकों में, वो भी गीत मैं शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिएगा। अगर आप में से भी कोई कुछ नया करना चाहता है तो मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने वीडियो भेज सकते हैं, उनको भी शामिल करूँगा मैं। एक छोटा हिस्सा कुछ एक परिवार के लोगों ने, कुछ ग्रुप ने मिलकर ये गाना तैयार किया, आज अपलोड किया, एक छोटा हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ ताकि HB मेलोडी में आपको पता चले कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। जरा एक झलक आप देख लीजिए। मेहनत से उसने भारत को संवारा है, मेहनत से उसने भारत को संवारा है। परिवार हमारा है।
तो ये गीत है दोस्तों, कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि जो देश में अच्छा हो रहा है वो अच्छा बताना भी चाहिए, ये हम सब का कर्तव्य है। तो जो गाने लोगों की भावनाओं में है, जो गीत लोग गुनगुना रहे हैं, अगर वो राष्ट्र विरोध में नहीं है या सनातन संस्कृति के से जुड़ता है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस पूरे गाने को दोस्तों आप HB मेलोडी में जाकर देखिएगा, वहाँ कमेंट कीजिएगा, लोगों को भी भेजिएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, ये गीत जो भी आप देख रहे हैं इस पर बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो उन गीतों को अपना प्रेम दीजिए। और बाकी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, मैं लाइव हूँ तो एक आध कमेंट आपके ज़रूर लेना चाहूँगा। बैद्यनाथ मिश्रा जी, मुख्तार के मौत पर ये रुदाली गैंग है। परमानंद यादव जी, धनजू जी, हंसा पटेल जी, सबको नमस्ते। रंजीत जी, भारती नायक जी, त्रिलोक सिंह, केजरी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। शिकाहा सेन ने लिखा है, भाई माफिया, अच्छा सारा माफिया के बारे में लिखा है। सनातन मंडल जी, झारखंड वाले, दूसरी सोनिया दिल्ली वाले। अनिल सिंह, मिजोरम से आपसे बात हो गई। इसके अलावा अखंड भारत, केजू अब वापस नहीं आना चाहिए, देश के टुकड़े कर सकता है। अरुणा सक्सेना जी लिख रहे हैं, हम सब CM केजरीवाल से सहमत नहीं हैं। बिल्कुल मैं भी सहमत नहीं हूँ। रमेश कुमार अवस्थी जी लिखते हैं, सत्ता संघर्ष की अंतिम परिणति, ये तो मैं पढ़ चुका। रोहित गुरुंग जी, जय सिया राम आपको। प्रदीप जी, आप लोगों ने लिखा है, मैं पढ़कर आपको ज़रूर कमेंट करूँगा। और आखिर में दीपक जी, अशोक जी, रोहित जी, कृष्ण जी, आर कुमार जी, सोनपाल जी, योगिंदर जी लिखते हैं, हरीश जी अभी देखना 2-3 दिन में भगदड़ मचेगी आम आदमी पार्टी में। अशोक जी नमस्ते लिख रहे हैं, मुकेश जी भी नमस्ते लिख रहे हैं, जगदीश जी सबको नमस्ते, देवेश चंद जी आपको भी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके सहयोग की सख्त ज़रूरत है। इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी वजह से ही मेरा हौसला रहता है दोस्तों, इतनी मेहनत कर पाता हूं। अगर आप सहयोग करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप पर पहुंचाएंगे, फेसबुक, ट्विटर, इन माध्यमों के ज़रिए लोगों को जोड़ने में मदद करेंगे, तो हमारा भी हौसला बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय सियाराम।